इग्नू की दिसंबर के परीक्षा फॉर्म की यहाँ पे तिथि जो आ चुकी है। जी हाँ, इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि इग्नू के एग्जामिनेशन फॉर्म जो दिसंबर में परीक्षा होने वाली है वो कौन कौन दे सकते हैं और उसकी भरने की जो तारीख है वो शुरू हो चुकी है, कैसे भरना है, किनको भरना है और क्या जो सितंबर में एग्जामिनेशन नहीं दे रहे उनको फिर से फीस देने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है या फिर नहीं, इस चीज़ के बारे में आपको इसमें पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, जो कि है रेशम क्लासेस। और आप अगर नहीं जानते तो हमारे इग्नू का ऑलराउंडर चैनल है जहां पे आपको असाइनमेंट से लेके सारी की सारी चीजें यहां पे आपको जानने को मिलेगी। आप सिंपली यूट्यूब पे जाइए, रेशम क्लासेस पे जाते हैं जैसे ही, वैसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा रेशम क्लासेस से जुड़ी हुई जितनी भी यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक वीडियो। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ आपको असाइनमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसी के साथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नोटिस भी यहाँ पे मैं लेके आती हूँ और आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सोचिए आप इग्नू के ऑलराउंडर चैनल को मिस कर देंगे और आपके एग्जामिनेशन के से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट और आपके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर मिलेंगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों चलिए आज के इस पूरी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका पूरा का पूरा यहाँ पे इंटेंशन है कि आपको पूरी जानकारी देना और एग्जामिनेशन फॉर्म जो आ चुका है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि आज से अनलॉक 4.0 शुरू हो चुका है, यानी 21 सितंबर से अनलॉक 4.0 स्टार्ट हो चुकी है। तो अनलॉक 4.0 के तहत क्या स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे और खुलने पर क्या कोई संस्थानें बंद रहेंगी, और जो एग्जामिनेशन की बात की जा रही थी कि जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है क्या उनको भी ऑफलाइन यहाँ पे कराया जाएगा, क्या उनकी भी यहाँ पे इजाज़त दी जाएगी। तो आपको बताएं गृह मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर दी गई है 4.0 के तरफ से। जब यहाँ पे एग्जाम आपको बता दूँ कि 21 सितंबर से यहाँ पे सारी की सारी स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षा संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। आपको पता है नई SOP यानी कोविड महामारी को देखते हुए नई SOP जारी की गई है, इसके तहत क्या किया जाएगा तो आपको बताते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया ने एक नई SOP जारी की है जो सारी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंडक्ट को यहाँ पे वो दिखाती है कि किस तरह आपको यहाँ पे बैठना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इग्नू में भी ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी, अगर आप इग्नू यूनिवर्सिटी के हैं तो भी और किसी और यूनिवर्सिटी के हैं फिर भी ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। छात्रों के लिए सामान्य निवारण, अब ये SOP सिर्फ सितंबर परीक्षा के लिए रहेगी या फिर दिसंबर तक के लिए? तो आपको बता दें फिलहाल जो भी एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट करवाने जाने वाले हैं 2-3 महीने के अंतर्गत, उनके लिए ये ज़रूरी है। तो इसमें क्या कहा गया है, कम से कम 6 फीट की दूरी अनिवार्य ज़रूरी होती है, फेस कवर, फेस मास्क, साबुन बार बार हाथ धोना। अब आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे सैनिटाइजर और हैंड वॉश के लिए वहाँ पे दिया जाएगा, तो आपको हैंड वॉश करना है। टिश्यू, रुमाल, फ्लेक्स्ड एल्बो के साथ खांसते छींकते समय किसी के मुंह के नाक को ढकना अभ्यास, मतलब आप जो है सारा SOP इसमें बताया गया, इसमें बताया गया है कि कैसे आपको एग्जामिनेशन देना है। अब क्या 4.0 के तहत 21 सितंबर से समिति गतिविधियां के साथ फिर से खोलने के लिए है, सारे स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे खुलने की अनुमति दी गई है। इसके तहत बता दें कि सरकार ने ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी है। जैसे इग्नू की ही बात करें तो इग्नू हमेशा डिस्टेंस लर्निंग के साथ ही एक ओपन कॉलेज है, इसमें भी यही प्रक्रिया लागू होती है। इसमें 50% शिक्षण और गैर शैक्षणिक कार्यक्रम को ऑनलाइन कक्षाओं के थ्रू कराने की बात की जा रही है। यहाँ पे बताया कि SOP का पालन करके जो है स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे और 9 से 12 छात्रों के लिए, 9 से क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट है स्कूलों का दौरा करने की अनुमति है। अगर स्कूल जो है संक्रमित एरिया के आसपास नहीं आता है तो ही स्कूल खोले जाएंगे। आपको पता है कि मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में राज्यसभा में बहुत सारी यहाँ पे नई नई घोषणाएं हो रही हैं, और उसमें से हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बात कही थी कि प्रयोगशाला जो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है
उसकी अनुमति यहाँ कब दी जाएगी। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करूँ तो जैसे इग्नू में भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए जो गाइडलाइन यहाँ पे तैयार की गई है उसमें कहा गया है कि आपका जो ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में ही होगा, प्रैक्टिकल सेंटर्स में ही होगा। तो ये बात आप प्लीज़ नोटिफाई कर लीजिए जिनका भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। अब हम बात करते हैं कि इग्नू के तरफ से बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। अब इग्नू के सवालों के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इग्नू परीक्षा फॉर्म के बारे में। तो इग्नू परीक्षा फॉर्म के बारे में यहाँ पे दो तरीकों से आप जमा कर सकते हैं, पहले ऑनलाइन के साथ और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन जो सिस्टम है वो बहुत फास्ट है और बहुत इजीली आप बस कुछ मिनटों में आपके पास आपका जो है पेमेंट, उसी के साथ आपकी जो फास्ट भी है और ये सटीक भी है, सेटिस्फाइड है कि आपका एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। आपको ऑनलाइन करना होता है, ऑनलाइन मोड पे करने के लिए आपको क्या ज़रूरत होती है उसके बारे में आपको दिखा देते हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा भुगतान के लिए आपको जो है ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग किसी के थ्रू आप भुगतान कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जब वो भुगतान कर देते हैं तो उनका शो नहीं करता, यानी आपके अकाउंट से पैसे तो कट गए लेकिन आपका जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अगर इस तरह से कोई बात होती है तो आप जाके डायरेक्ट बैंक से वहाँ से अपना, या फिर आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे वहाँ यानी अपने स्टडी सेंटर पे जाके इसके बारे में कह सकते हैं। और इग्नू परीक्षा के बारे में और चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे केंद्र को भी बदल सकते हैं, बहुत सी चीज़ है जो नई यहाँ पे तारीखें आए। तो सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे कि ऑनलाइन मोड में उम्मीदवार को पहले पेज में एक परीक्षा फॉर्म डाउनलोड करना होता है, फिर आपको उसको भर के उसके बाद आपको भुगतान ऑफलाइन मोड पे ही करना होता है कैश के जरिए। अब इसका भुगतान आप कहाँ कर सकते हैं? स्टडी सेंटर। तो चूंकि अभी तो ये कोरोना की सिचुएशन है, इस वजह से सारे लोग ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं। इग्नू परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए आवश्यक चीज़ें आपको क्या चाहिए? परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आपको इग्नू के असाइनमेंट को सबसे पहले सबमिट करना होगा, उसके बाद आपको अंतिम सत्र इग्नू परीक्षा की स्थिति जांचे यानी परिणाम। अगर आप सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपने पहले परिणाम देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है या फिर कौन सा क्लियर नहीं है। छात्र का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करते, तो आपको रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल अभी बता दूँ कि आपकी री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी ऑन है, यानी जो लोग यहाँ पे जुलाई 2020 सेशन का जो है री रजिस्ट्रेशन अभी डेट बढ़ के 30 सितंबर तक है, आप प्लीज़ जो है यहाँ पे जो है कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दूसरी बात है यहाँ पे आपको प्रवेश और परीक्षा के बीच उम्मीदवारों ने न्यूनतम समय अवधि पूरी कर ली होगी। ध्यान रखें कि बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए पाठ्यक्रम कोड की सूची में अलग से सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए उसी के अनुसार अपने पाठ्यक्रम का चयन कीजिए। आप जब सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो अच्छे से सब्जेक्ट को चूज़ करना सीखें। अगर आप सब्जेक्ट को सही तरीके से चूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, और कन्फर्म ही कि रिजेक्ट हो जाएगा। सभी उम्मीदवार को ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा, क्योंकि दिसंबर 2020 में आगामी सत्र के लिए विश्वविद्यालय को टर्म परीक्षा जमा करने के लिए उपलब्ध है, यानी आपको सब कुछ ऑनलाइन ही करना होगा। अब यहाँ बताते हैं कि कब आपका एग्जामिनेशन जो है दिसंबर का फॉर्म आप कब भरते हैं। तो जनरली ये जो टाइम होता था वो सितंबर में होता था, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट आपकी कब है? 1 अक्टूबर गुरुवार। 1 अक्टूबर गुरुवार से जो आपका डेट है वो शुरू हो जाएगा इग्नू के दिसंबर के लिए आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना। बिना लेट फीस के लास्ट डेट आपकी 31 अक्टूबर की होगी। ₹500 लेट फीस के साथ 10 नवंबर इसका आखिरी तारीख होगी, और ₹1,000 की लेट फीस के साथ 15 नवंबर तक आप भर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि इग्नू विश्वविद्यालय की तरफ से फॉर्म भरने की जो डेट है उसमें से कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो इसीलिए अभी जो 1 अक्टूबर की डेट है उस तारीख से आपका जो दिसंबर का एग्ज़ाम फॉर्म आपका फिल होना शुरू होगा। ये परीक्षा किसके लिए है उसके बारे में बता देते हैं। तो ये परीक्षा जिन्होंने 2020 में
जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है उनके लिए परीक्षा है, और जून वालों के लिए भी, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में कहा गया था तो जून वाले भी दिसंबर में परीक्षा नहीं दे पाए वो भी दिसंबर में परीक्षा दे सकते हैं, जिनका फाइनल ईयर है वो भी परीक्षा जो है दे सकते हैं। तो ये रही पूरी की पूरी इस पर डिटेल। यहाँ पर आपको बता दूँ कि FST और BSHF और BEBAE 181 परीक्षा के बारे में आपको बता दूँ, जिनके भी ये सारे एग्जामिनेशन है, तो ये सारे एग्जामिनेशन है ना, इसमें कहा गया कि MCQ मोड पे होगा, यानी आपको ऑप्शनल मल्टी चॉइस के रूप में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आप ध्यान रखें कि इस परीक्षा को की तैयारी आपको ऐसे ही करनी है, बिना आप जाने आप यहाँ पे नहीं कर सकते। और दूसरी बात आपको बता दें कि शुल्क जो हर एक एग्ज़ाम फॉर्म के हर एक पेपर के लिए आपको 150 रुपया दिया जाएगा, इससे ज़्यादा शुल्क नहीं लिए जाते थ्योरी पेपर के लिए, तो आप इससे ज़्यादा भुगतान ना करें। आपको बता दें कि टेंटेटिव जो डेट है वो डेट है आपकी यहाँ पे 1 अक्टूबर से आ जाएगी और आपको फॉर्म भरना है। अब फॉर्म के लिए रिफंड नीति क्या है, क्या आपको फॉर्म के लिए यहाँ पे पैसे वापस मिलेंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इग्नू फीस नॉन रिफंडेबल है, आपको यहाँ पे फिर से वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने 2 बार भुगतान किया तो अब शुल्क को अत्यधिक भुगतान की धन वापसी पाने के पात्र हैं। अगर आपने ज़्यादा उसमें रिफंड कर दिया, 2 बार आपने पेमेंट कर दिया, तो फिर आपको वापस मिल जाएगा। उसके लिए सिर्फ आपको एप्लीकेशन करना होगा और आपको वो वापस मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको दोस्तों बता दूं कि ये पूरी की पूरी डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ के बारे में दिसंबर फॉर्म जमा करने के लिए मैंने आपको ये पूरी की पूरी आपको नोटिस बताई। और आपको बता दें कि यहाँ पे 2-4 क्वेश्चंस भी थे जो स्टूडेंट्स की तरफ से है कि क्या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है इग्नू, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है। तो हाँ, UGC द्वारा ये पालन मान्यता इसे प्राप्त है और UGC के अंडर ही ये आता है। क्या इग्नू एक सरकारी विश्वविद्यालय है? तो हाँ, केंद्र सरकार द्वारा ये सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। क्या इग्नू में कोई नियमित कक्षाएं हैं? इग्नू थ्योरी क्लास ज़रूरी नहीं है, पर प्रैक्टिकल में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। क्या इग्नू परीक्षा कठिन है? तो यह आपकी तैयारी पे निर्भर करता है, आप अच्छे से तैयारी करें तो कुछ भी कठिन नहीं है। क्या इग्नू डिग्री मान्य है? हाँ, यह भारत के साथ साथ विश्व में भी इसकी मान्यता है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इग्नू जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में इसकी कोई मान्यता नहीं है, तो मान्यता है। क्या इग्नू कैंपस में नौकरी की जगह दे रहा है? तो जी हाँ, इग्नू ने मेन कैंपस नई दिल्ली में प्लेसमेंट सेल का आयोजन किया है, जिसके थ्रू आपको नौकरी दी जाएगी। कैंपस यहाँ पे लगाए जाते हैं जैसे सारी यूनिवर्सिटीज़ में लगाई जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको सारी यहाँ पे खबरें बताई और सारी चीज़ें बताई। अब देखिए, एक चीज़ बता दूँ, जहाँ आप अपना स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर चूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम अपना जो है सेंटर चूज़ करें, तो सपोज़ आप यहाँ पे पटना का चूज़ करते हैं, तो पटना का चूज़ करके आप जैसे ही क्लिक करते हैं वहाँ पे, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर कोड आपको यहाँ दिख जाता है, कौन कौन से जगह पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ उस समय, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो आप जो है आराम से और देख के एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरना होगा। और जो लोग फिर से सितंबर से दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, उनके लिए सिर्फ फ़ी एडजस्ट कर दिया जाएगा, फ़ी एडजस्ट कर दिया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा फ़ी नहीं दिया जाएगा। तो इस पूरी वीडियो में बस इतना ही मैंने आपको बताया पूरी डिटेल से। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मेरे साथ नीचे मेरी इंस्टा आईडी पे भी पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।